सो गाइस आज हम पुरानी दिल्ली चांदनी चौक, तो हमें एक यूनिक सी चीज मिली यहाँ पे, तो चलिए भैया से जानते हैं क्या है वो और कैसे बनती है। मैंने तो पहली बार देखी है। हेमचंद दौलत की चाट। हेमचंद दौलत की चाट, तो भैया ये किस चीज से तैयार होती है? दूध से तैयार होती है। दूध से तैयार होती है, तो भैया एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आदेश है सर। आदेश, तो भैया आप कितने सालों से ये बना रहे हो? मेरे को 10 साल हो गए बनाते हुए। अच्छा, इससे पहले आपके फादर साहब बनाते थे? 40 साल। उनको 40 साल हो चुके हैं, तो लगभग अराउंड कितने साल हो गए टोटल फैमिली में, मतलब इस चीज को? 150 सालों से भी ज्यादा हो गए। प्राइस क्या रहता है इसका? अभी 80 रुपए 50 रुपए। 80 रुपए 50 रुपए, 50 की हाफ, 80 की फुल। ये ऊपर से क्या है? ये येलो सेम चीज है, ये केसर का बना हुआ है। ये केसर का बना हुआ है, तो दूध से कैसे बनता है भैया, एक बार बता देंगे कैसे तैयार होता है? मक्खन बनता है देसी मक्खन, व्हाइट बटर। अच्छा, व्हाइट बटर बनता है। हाँ, सेम उसी तरीके से दूध को चल करते 7 से 8 घंटे लगाता है। अच्छा, 7 से 8 घंटे। 4 घंटे उसे चलता, रात में बनाते हैं क्योंकि इसको 2 घंटे हम लोग ओस में रखते हैं। ओस में रखते हो, ओस से क्या फायदा होता है? ओस से ये फायदा होता है, झाग है ना, काफी टाइम के लिए रुकता है। अच्छा, सेट हो जाते हैं। तो भाई लुक वाइज बेहतरीन है, काफी अच्छी है, आप देख सकते हो। तो भैया ये ऊपर से स्प्रिंकल क्या किया हुआ आपने? केसर है इसके ऊपर, पिस्ता और खुरचन पड़ा हुआ। ये किस चीज के खुरचन है? दूध का ही होता है। अच्छा, दूध की खुरचन है। अगर बर्त है, बर्त में भी खा सकते हैं। अच्छा, तो भैया ये स्वीट होता है? हल्का मीठा होता है, लाइट स्वीट है। अच्छा, ये क्या भैया? ये शुगर पाउडर है। शुगर पाउडर, ये मावा है सर। ये मावा आ गया ऊपर से, थोड़ा सा हमने केसर का ले लेंगे हल्का सा। अच्छा, हो चुका है भैया ये तैयार? तो गाइस इसका वेट तो है ही नहीं, वेट तो बिल्कुल जीरो है भाई, बिल्कुल ही हल्का है, बिल्कुल ही हल्का है। चलिए एक बार टेस्ट करते हैं। भाई मुंह के अंदर जाते के साथ घुल जाता है, हल्के से स्वीट है, ठीक है, काफी यूनिक सा टेस्ट है, मिठाई जैसा टेस्ट है हल्का सा, जो भैया ने ऊपर से केसर वगैरह डाले हुआ, हल्का सा उनका टेस्ट आ रहा है। और ये भैया मावा डाला हुआ ना आपने, मावे का भी टेस्ट आ रहा है। तो भाई पेट तो भरा नहीं जा सकता इस चीज से, ठीक है। हाँ, बट टेस्ट के मामले में यूनिक है, अच्छी है। तो भैया इसका प्राइस क्या बताया था आपने? 50 रुपए। ये हाफ प्लेट है, क्वांटिटी में काफी ठीक ठाक है, यूनिक है काफी। मैंने तो पहली बार ट्राई की है, मेरे को तो काफी अच्छी लगी। हाँ, वेट बिल्कुल भी नहीं है, कभी आप ये सोच के आओ कि पेट भरने के लिए है नहीं, सिर्फ टेस्ट के लिए है। अगर आपको टेस्ट करनी है ये चीज, तो जरूर एक बार आइए पराठे वाली गली।